बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने अमानत में खयानत का मामला वीडियो में लाने के बाद बताया था कि इंदिरा सागर परियोजना में 34 लाख के अवार्ड पारित होने के बाद तात्कालीन एसडीएम रीडर बाबूलाल मालवीय ने अपनी खुद की बहन कलाबाई सहित शरद चंद्र और उनके पुत्र प्रीतेश की जमीन जो कि कृषि भूमि थी उसे मैरिज गार्डन बताकर उसका डाइवर्शन कर सत्र न्यायालय में परिवाद दायर कर 34 लाख मुआवजा के अवार्ड को चुनौती देते हुए 8 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा इन लोगों को दिलवाया था, लेकिन मुआवजा राशि में ज़्यादा अंतर होने के कारण कलेक्टर ने उक्त मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद जांच में स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन एसडीएम रीडर बाबूलाल ने बहन सहित परिचितों को लाभ पहुंचाने के लिए दस्तावेज में हेराफेरी कर कृषि भूमि को डाइवर्टेड बता ज़्यादा मुआवजा दिलवाया है, जिस पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने तात्कालीन रीडर को निलंबित कर सभी के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज भू अर्जन अधिकारी ने कोतवाली पर एफआईआर के लिए आवेदन किया, जिस पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 169 आईपीसी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ये भू अर्जन अधिकारी श्री एसपी मंडरा साहब ने जो है लिखित में रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की थी, और उसमें जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो तत्कालीन एसडीएम साहब के रीडर बाबूलाल मालवीय है और उनके प्रीतेश मालवीय, शरदचंद ब्राह्मण, प्रीतेश ब्राह्मण और कालाबाई, इन सब ने षड्यंत्रपूर्वक जो है षड्यंत्र रचकर शासन को के साथ धोखाधड़ी की है और जो भूमि है भूमि को गलत तरीके से डाइवर्ट करवाई और जो अवार्ड पारित हुआ था भूभजन कार्यालय से करीब 34 लाख उसके खिलाफ जो है गलत जानकारी देकर रेफरेंस न्यायालय में जो उसकी अपील की और करीब उस अवार्ड को जो है 8 करोड़ में बदला दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे दस्तावेजों की जो है धोखाधड़ी की है, नियम कानून का पूरा उल्लंघन करके जो मुख्य जो एडिटर मालवी था उसने जो है जो पूरा मिलीभगत षड्यंत्र करके इस प्रकार से पूरा भ्रष्टाचार किया है। तो इसमें जो एसडीएम रीडर बाबूलाल मालवीय है, शरदचंद रावत, उनका लड़का प्रीतेश रावत और कालाबाई, इन चारों के खिलाफ अभी अपराध पंजीबद्ध हुआ है धारा 420, 467, 468, 471, 167, 169, धारा 200 ऐसे अन्य आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध इनके खिलाफ हुआ है। सर आरोपी ये जो है जैसी एफआईआर हुई उसके तत्काल बाद पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी इनके घरों पर, लेकिन ये फरार हो गए हैं, सब लोग छिपे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा इनको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।